वेलकम टू स्मार्ट कॉमर्स क्लासेस माय नेम इज अंशुल मित्तल एंड इन टुडेस वीडियो वी विल बी कवरिंग द चैप्टर नंबर 17 ऑफ ACCA F2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्प्रेडशीट ठीक है तो बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर का वेट कर रहे थे जबकि फैक्ट है कि ये चैप्टर इतना कोई इंपॉर्टेंट uh, नहीं है ऑल्दो इट इज बट ये कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है इट्स अ वेरी स्मॉल चैप्टर एंड टेक्निकली तुम्हारे को एग्जाम में ये जो एक्सेल है ये नहीं आने वाली है यू विल नॉट बी वर्किंग इन एक्सेल ये सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए कि एक्सेल क्या होती है तो प्रैक्टिकली तुम्हारे को मैं ये चैप्टर दोनों साइड बाय साइड लिंक करा देता हूँ ताकि इजिल समझ आ जाए एंड कभी तुम्हें लाइफ में यूज करना हो अभी यूज करना हो तो यू कैन यूज दी एक्सेल और स्प्रेडशीट तो सबसे पहले गाइस मैं तुम्हें बताता का स्प्रेडशीट इज अ सॉफ्टवेयर जो दिस इज लाइक ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का स्प्रेडशीट होता है स्प्रेडशीट इज अ सॉफ्टवेयर लाइक दिस जहां पे तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं वे यू कैन राइट एनी थिंग जैसे तुमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर काम किया हो तो वर्ड में वी हैव अ पेज जिसमें हम कुछ भी टाइप करते हैं तो इसमें एज सच पेज नहीं होता इसमें सेल्स होते हैं और मोस्टली सेल्स में यू कैन ऑल्सो राइट एनीथिंग ये देखो मैं इसमें कुछ भी लिख सकता हूं किसी भी सेल में मैंने नेक्स्ट सेल में कुछ भी लिखा ये देखो आई कैन राइट एनीथिंग इन एनी सेल ठीक है आई कैन डू इट सेल्स को बड़ा छोटा कर सकते हैं यहाँ से देर ऑप्शन के सेल को बड़ा करो छोटा करो ये देखो कुछ भी चीजें होती हैं हमारे पास बट द पॉइंट इज तुम्हारे को भी इतना इस चीज में नहीं जाना कि सेल्स को हम क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं क्या कर सकते हैं कैसे कैसे तुम्हें तो सिर्फ पता होना चाहिए कि वॉट एग्जैक्टली स्प्रेडशीट इज तो स्प्रेडशीट इज अ सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हमारे को ऐसे सेल्स में डेटा दिया होता है एंड मोस्टली स्प्रेडशीट्स आर यूजफुल फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैलकुलेटर में करने की बजाय जब काफी ज्यादा कैलकुलेशन होती हैं तो हम स्प्रेड शीट्स यूज करते हैं तो इस चैप्टर में बहुत छोटा चैप्टर है एक ही वीडियो में मैं इसको कवर कराने की कोशिश करूंगा और जो रिक्वायरमेंट होगा सिर्फ वही बताऊंगा इसको बहुत डिटेल में नहीं करूंगा तुम पढ़ लेना मैं तुम्हें प्रैक्टिकली एक बार सारा यहां से समझाता रहूंगा तो सबसे पहले आता है स्प्रेडशीट इंट्रोडक्शन अ स्प्रेडशीट इज अ कंप्यूटर पैकेज दैट इज यूज टू मैनिपुलेट डेटा मच ऑफ द डेटा ऑफ अ कंपनी इज लाइकली टू बी हेल्ड ऑन स्प्रेडशीट्स स्प्रेडशीट कैन बी यूज फॉर एनीथिंग विद रोज एंड कॉलम्स फॉर्मेट। वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल फंक्शन ऑफ अ स्प्रेडशीट इज बीइंग एबल टू इनपुट फॉर्मूले टू एनेबल कैलकुलेशन टू हैपन ऑटोमैटिकली व्हेन दी इनपुट व्हेन डेटा इज इनपुट इन अ स्पेसिफाइड सेल मतलब हमने यहां पे कुछ स्पेसिफाइड फॉर्मूले लगा दिए तो जो भी हम डेटा डालेंगे उसके अकॉर्डिंग यहां पे ऑटोमेटिकली फॉर्मूला चेंज होता रहेगा वो कब होगा कैसे होगा वो मैं बताता हूं सबसे पहले अब इन्होंने स्प्रेडशीट के बारे में और ज्यादा कुछ नहीं बताया अभी इन्होंने सीधा बताया कि हाउ कैन यू राइट अ फॉर्मूला तो अगर तुम्हें स्प्रेडशीट में कोई भी लगाना है तो तुम्हें इक्वल टू का साइन लगाना पड़ता है तो इक्वल टू का साइन मैंडेटरी होता है तो मैं एक काम करता हूं आई एल जस्ट पुट सम रैंडम फिगर्स है ये तो जैसे छोटी छोटी फिगर्स है जैसे वन थाउजेंड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड थ्री थाउजेंड फाइव थाउजेंड एट थाउजेंड सिक्स थाउजेंड थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते हैं फोर्टी टू हंड्रेड रुको फोर्टी टू हंड्रेड और लेट से मैंने एक बहुत ही वियर्ड सी फिगर डाल देते हैं लाइक दिस सो दिस इज अ फिगर अब इसको तुम ये भी कह सकते हो कि जैसे मेरी ये जो चीज है ये सारी मंथली सेल्स है मंथली या डेली सेल्स है यू कैन से लाइक दैट आर डेली सेल्स और मंथली सेल वट एवर वी आर कंसर्न विद नंबर्स के ये नंबर्स हैं तो हमें कोई भी अगर फॉर्मूला लगाना है तो वी कैन यूज यूजिंग इज इक्वल टू ठीक है तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इन सबका सम लिखना है मुझे इन सबका सम करना है तो हाउ कॉलम्स एंड रोज का क्या फंडा होता है देखो दिस इज कॉलम एंड दिस इज रो ठीक है दिस इज कॉलम एंड दिस इज रो अगर मैं यहां पर हूं तो ये कौन सा कॉलम कौन सा रो है तो दिस इज डी सेवन इस सेल का नंबर क्या है डी सेवन इसका एफ सॉरी एफ ट्वेल्व स्प्रेडशीट मेरी वाली है दिस इज ऑन टैब तो इसके अंदर ये पूरा स्प्रेडशीट प्रॉपर नहीं आती बट जब तुम कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वाली की स्प्रेडशीट जिसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बोलते हैं अगर वो ओपन करोगे तो यहां तुम्हें ये सेल नंबर भी लिखा हुआ दिखाई देगा ठीक है तो एफ ट्वेल्व इज दी सेल यहां पे देखा दिस इज डी एट अब लेट से मैं इस सेल में हूं सी थर्टीन में मुझे यहां पे इन सब का टोटल करना है आई वॉन्ट टू डू टोटल ऑफ ऑल दिस हेयर तो नॉर्मली अगर मुझे टोटल करना होगा आई विल यूज द कैलकुलेटर है ना बट स्प्रेडशीट का यही फायदा है कि हमें कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं है हम फॉमूला लगाएंगे और यहां पे टोटल ऑटोमेटिक हो जाएगा मैं तुम्हें एक करके दिखाता हूं फिर सीधा यहां से एक बार फटाफट से करा दूंगा जैसे मैंने लिखा इज इक्वल टू अब मेरा फॉर्मूला स्टार्ट हो गया तो इज इक्वल टू के बाद सिर्फ अभी अभी दिखा रहा हूं, तुम्हें लर्न कौन कौन से बहुत सारे फॉर्मूले हैं देखो कितनी सारी चीजें आ गई मैंने अपना सिंपल सम लिखा ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट स्टार्ट मुझे इन सब का टोटल करना है इन सब का टोटल करना दैट मीन्स ए वन दिस इज देखो ए वन सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली ए वन और दिस ए वन टू मुझे कहां तक करना है ए एट तक ए वन टू एट ये देखो ये ऑटोमेटिकली सारे सिलेक्ट हो गए ए वन टू ए एट मैंने ए वन ठीक है एंड वी कॉल इट कॉलम कॉलन दिस इज कॉलम ए वन कॉलन ए एट ए वन कॉलन ए एट मैंने लिखा एंड मैंने करा ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज एंड आई एंटर देखो ये ऑटोमेटिकली फॉर्मूला लग गया जिसमें इन सब का टोटल आ गया तो अगर मैं यहां कोई भी फिगर चेंज करता हूं देखो ये सिक्स थाउजेंड है या एट थाउजेंड है मैं इस फिगर को रैंडम फिगर लगा रहा हूं देखना ये भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा तो मैंने फाइव फाइव सिक्स सिक्स करा जैसी मैंने एंटर दबाया ये देखो फिगर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गई सो so, मैंने अब जो भी यहां चेंजेस करता रहूंगा वो ऑटोमेटिकली यहां चेंज होता रहेगा दिस इज द यूज ऑफ स्प्रेडशीट अब यहां पे क्या क्या फॉर्मुले हैं क्या क्या चीजें हैं वो हम इधर से पढ़ेंगे तो एंटरिंग अ फॉर्मूला ये मैंने बता दिया फॉर्मूला कंसिस्ट ऑफ नंबर सेल कोडिनेट जैसे ए टू एफ सेवन तुम्हें सारा मैंने बता दिया ऑपरेटर्स एंड फंक्शन ऑपरेटर परफॉर्म एक्शन ऑन नंबर एंड कॉर्डिनेट एग्जाम्पल ऑपरेटर्स

जैसे मैंने लिखा ए वन प्लस ए टू माइनस ए थ्री डिवाइड बाय डिवाइड का साइन ये होता है इसमें डिवाइड बाय ए फोर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई का साइन ये होता है मल्टीप्लाई बाय ए फाइव मैंने लिख दिया अब जब मैं ऐसे करूंगा तो ये फॉर्मूले में ये बॉड मास का रूल अप्लाई करेगा ठीक है सब क्योंकि सबसे पहले क्या होता है डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन तो मैंने एंटर करा देखो इसने अपना बताया प्रॉब्लम क्योंकि मैंने यहां पे कुछ भी स्पेसिफिक नहीं बताया कि पहले क्या करना है बाद में क्या करना है मैंने यहां पे कुछ भी स्पेसिफिक नहीं बताया कि पहले क्या करना है। एक सेकेंड मैंने, मैंने उसके आगे ब्रैकेट क्लोज कर दिया था तो जो ब्रैकेट ओपन ही नहीं हुई तो क्लोज क्यों होगी तो आई रोड दन प्लस ए टू माइनस ए थ्री डिवाइड बाई ए फोर इन टू ए फाइव तो इसने बॉड मास का रूल लगा दिया बॉड मास मतलब सबसे पहले डिवीजन uh, करी फिर मल्टीप्लीकेशन जो वैल्यू आई उसके बाद एडिशन दैंड सब्ट्रैक्शन हालांकि अब मुझे अपने हिसाब से जो फॉर्मूला बनाना है तो आई विल हैव टू यूज ब्रैकेट्स से मुझे ए वन और ए टू को प्लस करना है उसको मल्टीप्लाई करना है ए थ्री और ए फोर के टोटल से ए वन और ए टू को प्लस करना है और मल्टीप्लाई करना है ए थ्री और ए फोर के टोटल से जैसे मुझे दिस प्लस दिस इन टू दिस प्लस दिस लेकिन अगर मैं नॉर्मल ऐसे लिखूंगा मैं तो मैं दिखा रहा हूं देखो जैसे मैंने यहां लिखा ए वन प्लस ए टू मल्टीप्लाई बाय ए थ्री प्लस ए फोर ठीक है मैंने फॉर्मूला लिख दिया बट मुझे करना क्या है ए वन और ए टू के टोटल यानी थर्टी फाइव हंड्रेड को मुझे मल्टीप्लाई करना है एट थाउजेंड से लेकिन यहां पे अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई करूंगा ये गलत आएगा क्यों क्योंकि यहां पे मल्टीप्लाई तो कर दिया उसके बाद इन दोनों को एड कर दिया अब हाउ चेंज इट मैं इसको ठीक कैसे करूंगा तो आई यूज ब्रैकेट हाउ इट देखो रुको एक सेकेंड गाइस मैंने क्या किया आई हैव टू यूज ब्रैकेट नाउ कि मुझे पहले क्या करना है जो चीज मुझे पहले करनी है मुझे वो ब्रैकेट में डालनी पड़ेगी मैंने यहां ब्रैकेट स्टार्ट किया ए वन से पहले और ए टू पे खत्म मतलब पहले ए वन और ए टू का टोटल होगा इसका टोटल मल्टीप्लाई होगा ए थ्री से और फिर एड होगा ए फोर बट हमें ए थ्री और ए फोर का टोटल भी करना है तो मैंने अगेन यहां पर क्या किया ए थ्री से पहले ब्रैकेट और ए फोर के बाद ब्रैकेट अब इसका मतलब क्या हुआ पहले ए वन और ए टू का टोटल होगा और ए थ्री और ए फोर का टोटल होगा देन उन दोनों टोटल का आपस में मल्टीप्लीकेशन होगा अब देखो मैं यहां ये वैल्यू थोड़ी बड़ी आई है ये देखो ये आया इसका आंसर अब तुम कैलकुलेटर पे भी अगर करना चाहो थर्टी फाइव हंड्रेड इंटू एट थाउजेंड तो मैं कैलकुलेटर पे अगर करूं तो मैं तुम्हें दिखाता हूं थर्टी फाइव हंड्रेड इंटू एट थाउजेंड देखो दिस इज टू करोड़ एटी लाख ठीक है ना ठीक है सो दिस इज हाउ वी डू इट ये होता है हमारा कि जब भी हमें कोई फॉर्मूला लगाना है सबसे पहले हम उसको ब्रैकेट में लिखेंगे फॉर्मुला तो तो in डालना था तो D8 में मैंने पहले लिखा इज इक्वल टू प्रेस इक्वल टू साइन ऑन द की बोर्ड और क्लिक द साइन इन बार इफ वन इज शोन मतलब जैसे अगर खाली है या तो मैं यहां पे इज इक्वल टू लिखू हर स्प्रेडशीट में ऊपर ये फंक्शन का मतलब होता है फॉर्मूला मैं अगर यहां पे क्लिक करूंगा ये ऑटोमेटिकली फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा तो यहां पे भी मैं कोई फॉर्मूला लिख सकता हूं ठीक है तो जैसे मैंने यहां पे करके फंक्शन पे क्लिक किया तो ये सारे आ गए जैसे मैंने ये देखो जैसे मैंने फंक्शन पे क्लिक किया इज इक्वल टू ऑटोमेटिकली आ गया ठीक है सो तो ये होता है या तो हम इज इक्वल टू खुद लिखें या इधर क्लिक कर देंगे वो ऑटोमेटिकली लिख देगा की इन दमुला डायरेक्टली फ्रॉम द की बोर्ड और यूज दी माउस टू सिलेक्ट द सेल्स वेर यू वॉन्ट टू एंटर देयर आर नो स्पेस इन दमुला फॉर्मुले के बीच में कोई भी स्पेस नहीं आता या तो हम लैप या तो हम माउस से सिलेक्ट कर सकते हैं अभी मैंने तुम्हें बताया था जैसे ए वन कॉलन ए एट मैंने प्रैक्टिकली लिखा था अब मैं तुम्हें दिखाता तो, हूं माउस से कैसे होगा मैंने लिखा इज इक्वल टू इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट मैंने माउस को यहां रखा और देखो मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया वो ऑटोमेटिकली ए वन टू एट आ गया देखा मैंने माउस को यहां से सिलेक्ट कर दिया हालांकि तुम्हें इस चीज का ऐसे एग्जाम में कुछ नहीं बोला जाएगा लेकिन हम माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं यही चीज यहां पर लिखी हुई है एक सेकेंड ठीक है ये चीज यहां पे लिखी हुई है अरे, चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा एक्चुअली क्या है मैं तुम्हें तो लैपटॉप से इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अगर मैं लैपटॉप से कराऊंगा तो मैं वहां बुक नहीं दिखा पाऊंगा आगे वेन यू है कि जैसे मैंने फॉर्मूला डाला रिजल्टिंग वैल्यू यहां पर आ गई और हमने एंटर प्रेस कर दिया टिपिकल फॉर्मूला जैसे देखो मैंने यहां बताया था कि इन्होंने पहले ये एड होगा फिर माइनस पहले ये मल्टीप्लाई होगा डिवाइड दिस देन डिवाइड यहां पे इन सबका सम होगा सिंपल है गाइस एक बार इसको पढ़ लेना समझ आ जाएगा प्रैक्टिकली मैं तुम्हें करा चुका हूं ये है थ्योरी आगे अब जो तुम्हें फॉर्मूले जो याद रखने हैं जो चार फॉर्मुले तुम्हें याद रखने हैं दैट इज दीज फोर इज समूज अगर हमें टोटल करना हो इन सबका

तो ये हमारा फॉर्मूला था सम का इसके बाद में दिखाता हूं एवरेज का देन आएगा मैक्स का देन आएगा मिनिमम का ठीक है आप देखना एवरेज का फॉर्मूला मैं लिखूंगा इज इक्वल टू ए ई आर ए जी ई एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट दोबारा से ए वन ए वन कॉलन एट तक ए एट एंड ब्रैकेट क्लोज यहां ब्रैकेट मुझे ओपन एंड क्लोज करना पड़ेगा देखो मैंने जब ये फॉर्मूला लगाया ऑटोमेटिकली इन सब का एवरेज आ गया थ्री नाइन सेवन फोर सेवन फाइव ऑटोमैटिकली एवरेज आ गया अब अगर तुम तुम्हें क्रॉस चेक करना चाहते हो कि एवरेज सही है कि नहीं अगर तुम्हें क्रॉस चेक करना है ध्यान से देखना गाइस सब बहुत ध्यान से देखना ये है इन सब का सम और नंबर ऑफ आइटम कितनी है एट तो एवरेज क्या होता है सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम तो अगर मैं यहां करूं ये इन सब का सम है तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम तो मैंने यहां पे एट लिख दिया सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम जो भी सम था उसको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दिया ये देखो थ्री नाइन सेवन फोर पॉइंट सेवन फाइव फॉर्मूला एक्चुअली एवरेज का है हम इस पर डाउट नहीं कर सकते अब आता है मैक्सिम इन सब में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है तुम सोच के देखो यहां पर मेरे हिसाब से सिक्स थाउजेंड है अब यहां पर डालते हैं वैल्यू मैक्सिमम इज इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट ए वन कॉलम ए एट ब्राकेट क्लोज एंटर तो मैक्सिम सिक्स थाउजेंड अगेन मिनिमम इज इक्वल टू मिनिमम ब्राकेट स्टार्ट ए वन कॉलम ए एट ब्रैकेट क्लोज एंटर ये आगे मिनिमम वैल्यू ठीक है ना अब मैं तुम्हें दिखाता हूं यहां पे कि कैसे ये सारे फॉर्मुलेस चेंज हो जाएंगे अगर मैं यहां कोई भी फिगर चेंज करूंगा अब जैसे मैं इस फिगर को फाइव थाउजेंड को मैं कर रहा हूं नाइनटी फाइव हंड्रेड करी जैसे ही एंटर दबाऊंगा वो देखो सारे फॉर्मुले चेंज हो गए मिनिमम वाला क्यों नहीं चेंज हुआ क्योंकि मिनिमम अभी भी वन थाउजेंड ही है अब यहां पे इसको मैं मिनिमम कर देता हूं एट हंड्रेड अब देखना सारे फॉर्मुलेस चेंज हो जाएंगे मैक्स को छोड़ के क्योंकि मैक्सिमम इतना ही है एंटर देख रहे हो ये 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 फायदा होता है है स्प्रेडशीट्स का गॉट इट ठीक सो हमारे सारे फॉर्मुलेस अब आता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ स्प्रेडशीट्स इन दी वर्क स्पेस स्प्रेडशीट आर अ कन्वीनियंट वे ऑफ सेटिंग अप ऑल सॉर्ट्स ऑफ चार्ट्स रिकॉर्ड्स एंड टैबलेट्स टेबल सॉरी यूजेस इंक्लूड्स व्हाट इफ एनालिसिस बजटिंग एंड फोरकास्टिंग रिपोर्टिंग परफॉर्मेंस वेरियंस एनालिसिस इन्वेंट्री वैल्यूएशन ये सारी चीजें हम स्प्रेडशीट में कर सकते हैं जैसे फोरकास्टिंग अब फोरकास्ट में तो मैं दिखाता हूं करके लेट से ये सारी फिगर्स किसी एक ईयर की हैं और मुझे पता है कि अगले साल सारी फिगर्स जो हैं वो फाइव फाइव परसेंट से बढ़ जाएंगी मुझे पता है सारी फिगर्स फाइव फाइव परसेंट से बढ़ जाएंगी अब देखो मैं कैसे फॉर्मूला लगाता हूं इज इक्वल टू दिस प्लस ब्रैकेट स्टार्ट इसी का इनटू फाइव परसेंट ब्रैकेट क्लोज ये फॉर्मूला फॉर्मूला कैसे आइए दिस इस, इस वैल्यू प्लस इसी का फाइव परसेंट याद इंटरेस्ट में हमने फॉर्मला पढ़ा था कंपाउंड इंटरेस्ट में है हाँ ना कंपाउंड इंटरेस्ट में ये फॉर्मला पढ़ा था हमने कि मैंने यहां वैल्यू कौन सी आएगी दिस प्लस फाइव परसेंट ऑफ इसकी वैल्यूटोमेटिकली वन जीरो फाइव जीरो आ गई या फिर और तरीके क्या हो सकते हैं एक्सेल इज समथिंग दिस स्प्रेडशीट इज समथिंग इसमें अगर तुम भेजा खोल के काम करोगे तो अनगिनत फॉर्म ले अनगिनत तरीके हैं करने के ये एक तरीका है और तरीका बताऊं देखो मैंने इसको हटाया मैंने करा इज इक्वल टू ए वन इंटू फाइव परसेंट ए वन इंटू फाइव परसेंट ये फाइव परसेंट आ गया इसका और मैंने नेक्स्ट पे इज इक्वल टू ए वन प्लस दिस सेल इज नाउ बी वन तो ए वन प्लस बी वन ये देखो देखा समझ आ रही है मैंने यहां पहले इसका फाइव परसेंट निकाल दिया और यहां पे इसका टोटल कर दिया अब जैसे अब ये जो फॉर्मूला है मैंने तुम्हें इतना डिटेल में एक्सेल नहीं जाना, हम याद रखो, ये एक्सेल की ट्रेनिंग का वीडियो नहीं है, ये रखना चीज ठीक है तो मैंने इन दोनों को करा कॉपी कंट्रोल सी मतलब कॉपी फिर मैंने यहां सेलेक्ट करके शिफ्ट दबा के नीचे वाले एरोज करके मैंने इन सबको सिलेक्ट कर दिया और कंट्रोल वी अब तो मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ तो मैं करना नहीं है नहीं आएगा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन देखो ऑटोमेटिकली मेरे को ये सारी फिगर्स मिल गई कि अगले साल फोरकास्ट में ये फिगर्स आएंगी ऐसे करके हम ऑटोमेटिक फोरकास्ट बना सकते हैं चीजों का पास्ट ट्रेंड देख के फिर अब पास्ट ट्रेंड में डालूंगा तो मेरी ट्रेंड लाइन बन जाएगी ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग एक्सेल ऑटोमेटिकली फॉर्म वो बना देगा कि आगे ये ये वैल्यूज आने वाली हैं तो एक्सेल के बहुत ज्यादा यूजेज होते हैं वो ये चीजें बता रहे फर्स्ट इज वॉट इफ एनालिसिस सो द पावर ऑफ स्प्रेडशीट इज दैट द डेटा हेल्ड इन एनी वन सेल कैन बी मेड डिपेंडेंट ऑन दैट हेल्ड ऑन अदर सेल बाई यूज ऑफ फॉर्मूला मतलब ये जो डेटा यहां पे डला हुआ है दिस इज डिपेंडेंट ऑन दीज वैल्यूज मतलब एक चीज को हम दूसरी पे डिपेंड कर सकते हैं सो वॉट इफ मीन्स वॉट इफ अगर मैं यहां कोई चेंज करूंगा तो यहां पे भी चेंज आ जाएगा दिस दैट

मैं यहां पे इसको लिख दिया मैंने फिफ्टीन फाइव हंड्रेड या जो भी लिख रहा हूं ज्यादा ही बड़ी वाली होगी ना फिफ्टीन फाइव नाइन्टी अब देखो ये भी चेंज हो गया ये भी चेंज हो गया ये भी चेंज हो गया सारी चीजें चेंज होती है चली गई जो जो इस पर डिपेंडेंट है जहां जहां इस सेल का रेफरेंस है वहां पांच चीजें चेंज हो जाएंगी दिस अलाउ इफ एनालिसिस टू बी क्विकली एंड ईजिली कैरिड आउट एग्जाम्पल वॉट इफ सेल्स आर टेन परसेंट लोअर देन एक्सपेक्टेड अब ऐसे जब मैंने सारा फार्मूला बनाया मैंने देखा कि अगर मैं सेल्स टेन परसेंट से कम करता हूं तो टोटल में क्या चेंज आते हैं इन सबके जैसे ये सेम फार्मूलेज मैंने यहां के लिए भी कर दिए ये सेम फार्मूलेज मैंने यहां के लिए भी कर दिए मैं एक बार कर देता हूं अभी मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं कैसे करा क्योंकि तुम्हें रिक्वायरमेंट नहीं है उस चीज की ये लो ये सेम फार्मूलेज मैंने यहां के लिए कर दिए ठीक है थीके? तुम रेफरेंस देखो C1 C8 C1 C8 कैसे करा मत पूछना नॉट रिक्वायर्ड अब the point is, अब जैसे मैं सोचता हूं कि लेट से ये फिगर मेरी सेल्स की है हालांकि ऊपर आती है बट लेट से फिगर मेरी सेल्स की है तो सेल्स चेंज करने थे किस किस में क्या क्या चेंज आएगा अभी मैंने यहां पे कितना इंक्रीज किया था सेल फाइव परसेंट तो चलो मैं फाइव का दिखाता हूं टेन परसेंट चेंज एंटर करा देखो कहां कहां क्या, क्या क्या चेंज आया चेंज करने से इंटरेस्ट चेंज हो गया ये चेंज हो गया so this is called analysis. तो चीज चेंज करने से हमें उसका बेसिक मतलब कोई चीज चेंज करने से उसका कहां कहां इंपैक्ट आता है वो हम पता कर सकते हैं इफ एनालिसिस से इट आगे बजटिंग एंड फोरकास्टिंग अब बजटिंग एंड फोरकास्टिंग में जैसे इन्होंने एक देखो पूरा बनाया हुआ है बजट जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ये हैं सेल्स ये हैं सारी पेमेंट्स ये इन्होंने सेल्स का टोटल करा हुआ है ये सारा इन्होंने पेमेंट का टोटल करा हुआ है नेट कैश इनफ्लो इसका इन्होंने करा हुआ है दिस सेल्स माइनस दिस तो यहां वैल्यू नेगेटिव क्यों आ रही है क्योंकि खर्चे ज्यादा हैं सेल्स रिसीट कम है तो ऑटोमेटिकली वैल्यू माइनस में आ गई ठीक है ऐसे इन्होंने यहां पे ये यह है सेल्स इस टाइम की यहां पे इसका एक्सपेंस का टोटल आ गया देन यहां पे आ गया नेट कैश फ्लो सेम ये इन्होंने चीज यूज करी हुई है देन बैलेंस फॉरवर्ड कैरिड फॉरवर्ड तो अब देखो इन्होंने यहां पे क्या किया हुआ है की फॉर्मूला आर यूज हियर इज टोटल पेमेंट टोटल पेमेंट का फॉर्मूला क्या होगा बी सेवन कॉलन बी इलेवन सम बी सेवन कॉलन बी इलेवन नेट कैश फ्लो का फॉर्मूला क्या होगा सेल्स रिसीट माइनस दिस तो सेल्स रिसीट इज बी माइनस बी फोर्टीन माइनस बी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड का फॉर्मुला क्या होगा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड का फॉर्मला वैल्यू कैसे आई जितीन जो पहले मेरे पास कैश था प्लस और कितना कैश मेरे पास आया है इतना कैश पहले था प्लस इतना कैश और आया तो टोटली हो जाएगा तो जब हम ये फॉर्मुला लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली फिगर्स में चेंज आता रहेगा दिस इज हाउ स्प्रेडशीट आर यूज इन बजटिंग सिंपल तुम्हें ऐसा कुछ लर्न नहीं करना बस तुम्हें पता होना चाहिए कि में भी यूज होता है है देन आता रिपोर्टिंग परफॉर्मेंस देन आता है रिपोर्टिंग परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस अप्रेजल यूजुअली यूज कैलकुलेटिंग रेशियोज पॉसिबली इन्वॉल्विंग कंपेरिटिव बिटवीन कंपनीज एंड फ्रॉम वन ईयर टू नेक्स्ट ईयर अ नीट वे ऑफ डूइंग इज टू इनपुट दी रॉ डेटाशियल स्टेटमेंट ऑन वन शीट एंड कैलकुलेट रेशो ऑन दीदर मैंने यहां पे जितनी बनाई है ये मैंने कंपनी का फाइनेंशियल डेटा लिख दिया हमारे पास ऑप्शन होता है जैसे शीट वन है हम एक और शीट खोल सकते हैं जैसे मैंने प्लस पे क्लिक किया ये शीट टू आ गई यहां पर सारा उस कंपनी के बारे में और यहां पर दूसरी उसकी रेशोज हैं अब तुम कहोगे सर ये तो शीट खाली है तो यहां पे कैसे फॉर्मूले लगेंगे यहां पे भी उस शीट के फॉर्मुले लग सकते हैं कैसे इज इक्वल टू तुम्हें नहीं कर याद रखना है कैसे लगेगा मैं सिर्फ बता रहा हूं वो तुम्हें एक्सेल की ट्रेनिंग से जब करोगे तब पता चलेगा अभी मैं वो चीज नहीं करा रहा ठीक है इज इक्वल टू शीट वन में गए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया एंटर ये देखो यहां भी फॉर्मूला लग गया शीट वन ए वन शीट वन से ए वन वैल्यू यहां पे आ गई तो ऐसे में यहां पे भी फॉर्मुले जितने भी चाहूं लगा सकता हूं तो वही चीज लिखी हुई है फॉर एग्जाम्पल हेयर इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द दाइव इन रिजल्ट ऑफ अ कंपनी कॉल्ड पार्क लैंड इनपुट ऑन शीट टाइटल हिस्टोरिक डेटा अब हिस्टोरिक डेटा में इन्होंने देखो यहां पे लिखा होता रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट 2005, 2004, 2003 ये वैल्यूज लिखी हुई हैं और नेक्स्ट पेज पे उन्होंने रेशोज निकाली हुई है देखो रिटर्न ऑन कैपिटल मार्जिन एसिड टर्नओवर ग्रॉस मार्जिन एबिडा ये सारी रेशोज इन्होंने इस ये वाले फॉर्मूले यूज करके <coughs> यहां लिखी हुई है ये भी हम कर सकते हैं दिस इज ऑल्सो कवर्ड इन स्प्रेडशीट द हिस्टोरिक डेटा अब देखो इन्होंने साथ में साइन लगाया हुआ है द हिस्टोरिक डेटा पार्ट इंडिकेट्स विच वर्कशीट इंफॉर्मेशन कम फ्रॉम जैसे नेक्स्ट शीट में मुझे शीट नंबर वन की इंफॉर्मेशन चाहिए इज़ इक्वल टू शीट अब मुझे उसकी कौन सी फिगर चाहिए तो शीट में ए फाइव तो देखो ए फाइव ऑटोमेटिकली वैल्यू यहां पे आ गई वो चीज है तो यहां पे इसका भी बस बताया हुआ है कैसे हम कर सकते हैं ऑन द शीट करंट और हिस्टोरिक रेस क्लिक ऑन सेल एंड प्रेस इज इक्वल टू स्विच टू शीट ऑफ हिस्टोरिक डेटा एंड सिलेक्ट सेल सी टाइप दिस तो वो ऑटोमेटिकली वहां की फिगर्स आ जाएंगी बस तुम्हें कोई स्टेप्स नहीं आने वाले एग्जाम में ठीक है नेक्स्ट वेरिएंस एनालिसिस अब हम यहां पे वेरिएंस में निकाल सकते हैं वेरिएंस कैसे जैसे इनके और इसके बीच में कितना वेरिएंस है और वेरिएंस कितना होना चाहिए था जैसे फॉर एग्जाम्पल ये था मेरा स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डेटा अब हम थोड़ा सा कॉस्टिंग की बात करेंगे ये है मेरा स्टैंडर्ड डेटा स्टैंडर्ड में मुझे लगा कि अगले साल फाइव परसेंट बढ़ेगा जैसे सेल्स मैंने दिखाई थी टेन परसेंट ये बाकी सब मेरा फाइव परसेंट बढ़ेगा तो ये था स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल या बजटेड मुझे लगा था इस साल यह आएगा यहां मैंने फिगर्स लिखी अपनी एक्चुअल जैसे मैंने एक्चुअल फिगर मैं लिख के दिखाता हूं तुम्हें मैं पहले इसको हटाता हूं जैसे मैंने यहां पर एक्चुअल फिगर्स लिखी मैं फटाफट से लिख रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता इस वीडियो में टाइम वेस्ट हो ये देखो ये मैंने एक्चुअल फिगर्स लिख दी ठीक है ये थी स्टैंडर्ड मेरे को लग रहा था इतना सेल्स होगी मेरी और ये है सारी एक्चुअल अब मैं डिफरेंस निकालता हूं इनके बीच में तो डिफरेंस इज इक्वल टू एक्चुअल यानी डी वन डी वन माइनस स्टैंडर्ड यानी सी वन माइनस सी वन एंटर इसके लिए ब्रैकेट की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें स्पेसिफिक नहीं बताना कि पहले क्या करना है बाद में क्या करना है तो दो चीजें अब मैं इसको कर लूंगा कॉपी और यहां कर लूंगा पेस्ट उसने ये देखो ये उसने हमें वेरिएंस निकाल के बता दिया कि सी और डी में ये ये डिफरेंस आ रहा है दिस इज दी अब हो सकता है कुछ फिगर अब मैं इसको अगर चेंज करूं लेट से ये मैं कम कर देता हूं तो ये देखो माइनस में आ गई कि ये कम है ये ज्यादा है ये कम है ज्यादा है दिस इज वेरियंस एनालिसिस वेरियंस एनालिसिस में भी हम इसको यूज करते हैं अब आता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्प्रेडशीट तो एडवांटेजेस मेनी यूजर्स यूज स्प्रेडशीट टू स्टोर डेटा इवन थ्रू डेटा कुड बी बेटर मैनेज इन अ डेटाबेस दिस कंफ्यूजन स्टेम्स फ्रॉम बेसिक सिमिलैरिटी दैट की फंक्शन इसको छोड़ो चलो गाइस सो एडवांटेजेस ऑफ स्प्रेडशीट हम यहां से पढ़ते हैं स्प्रेडशीट आर डिजाइन टू एनालाइज डेटा एंड सॉर्ट लिस्ट आइटम्स ंग टर्म स्टोरेज ऑफ रॉ डेटा हम यहां पर रॉ डेटा को लॉन्ग टर्म नहीं रखते ये बेसिकली कैलकुलेशन करने के लिए एक दो साल के फिगर्स कैलकुलेट करने के लिए है। हम इसको परमानेंटली ये नहीं सोचेंगे कि एक्सेल में ही रखते। ये रखते दिस कैन हैंडल लॉट ऑफ डेटा बट हम इसके अंदर अब दस सालों की दस शीट नहीं बना सकते कि दस शीट बना दो बारह शीट बना दो तो कन्फ्यूज हो जाएंगे ठीक है तो हो सकता है हमें दस अलग अलग फाइल्स बनाना पड़े लेकिन एक स्प्रेडशीट के अंदर हम काफी ज्यादा डेटा नहीं रखेंगे तो नॉट फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ डेटा अ स्प्रेडशीट शुड बी फॉर क्रंचिंग एंड स्टोरेज ऑफ सिंगल लिस्ट आइटम्स एडवांटेजेस ऑफ स्प्रेडशीट इंक्लूड आर रिलेटिवली इजी टू यूज स्प्रेडशीट फंक्शन एनेबल डेटा टू बी प्रोसेस्ड मोर क्विकली ऑब्वियसली हमने सारा देखा ही है पहले मैं इसको छोटा कर दू थोड़ा then they include graphing function that allows for quick reporting and analysis analysis of data इसमें graphs भी बन जाते हैं कैसे बनते हैं मैं नहीं बताऊंगा मैं नहीं बताने वाला जरूरत ही नहीं है guys जब होगा कभी अलग से spreadsheet की video बनाऊंगा तब बताऊंगा कि जब पूरा एक्सेल का कोर्स कभी हुआ तब लेकिन अभी बताने की जरूरत नहीं है और गूगल पे तुम्हें सब मिल जाएगा तुम बोलोगे ना ट्रेनिंग ऑफ एक्सेल गूगल और यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज हैं

तो गलत होगा लेकिन अगर हमने सही पंच कराए तो वो हमेशा सही आंसर ही आएगा तो दे डिसएडवांटेजेस इसके नुकसान क्या है डेटा मस्ट बी रिकॉपीड ओवर एंड ओवर अगेन टू अ सेपरेट फाइल्स अब जैसे एक साल का डेटा यहां पे है फिर मेरे को दो साल का डेटा कंपेयर करना है तो मैंने ये कॉपी करके अगले साल का लिखा फिर अगले साल का फिर अगले साल का फिर अगले साल का ऐसे करते करते स्प्रेडशीट बहुत लंबी बन जाएगी तो यह स्प्रेडशीट का नुकसान है लेकिन यहां पर टेन परसेंट है और यह जो टेन परसेंट है यह मेरी गलती है मैंने इनपुट इसमें सही नहीं डाला फाइव की जगह टेन डाल दिया ठीक है स्प्रेडशीट ये गलती नहीं बता सकती ऑब्वियसली कंप्यूटर नहीं बताएगा हालांकि आजकल टेक्नोलॉजीज बहुत आ रही हैं ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी बहुत टेक्नोलॉजीज आ रही हैं तो उसमें हो सकता है वो बता दे कि यहां पे कुछ पंगा है वैसे तो आप सब में फाइव डाल रहे हो यहां पे आपने टेन डाली हुई है तो रीचेक होते हैं ऐसे भी एक्चुअल सॉफ्टवेयर होते हैं बट स्प्रेडशीट वो चीज नहीं बता सकती स्प्रेडशीट लैक डिटेल्ड सॉर्टिंग एंड क्वेरिंग एबिलिटीज मतलब स्प्रेडशीट में हम अब इन सब को मैं सॉर्ट नहीं कर सकता मैं एक लाइन सॉर्ट कर सकता हूं जैसे मैंने इसको सॉर्ट करना है सॉर्ट कैसे के सबसे छोटा पहले आ जाए सबसे बड़ा बाद में लेकिन ये सारे इस सेंस में सॉर्ट नहीं होंगे जैसे मैं तुम्हें तो दिखाता हूं यहां पर अगर मुझे मिलता है तो डेटा एक्चुअली मैं ये यूज कर रहा हूं मैं टैब में तो टैब में शायद इतने ये आ गया सॉर्ट देखो मैंने सॉर्ट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में कि जो सबसे छोटा है वो पहले है सबसे बड़ा बाद में सॉर्ट असेंडिंग अब ये तो सॉर्ट हो गया लेकिन बाकी सारे सॉर्ट नहीं हुए बाकी सारे इसी के बेस पे सॉर्ट होते चले गए अब जैसे मेरे को ये सॉर्ट करना है कि देखता हूं मैं कि सबसे ज्यादा डिफरेंस कितने हैं तो इसको मैं असेंडिंग डिसेंडिंग में करता हूं तो मैंने इसको सिलेक्ट किया सॉर्ट Ascending, डिसेंडिंग देखो इसको शॉर्ट अरे ये हो क्यों नहीं रहा कुछ प्रॉब्लम है. रुको गाइस इस क्चुअली टैब में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कोई ना इस टैब में थोड़ी प्रॉब्लम आती है बट तुम्हें मैंने सिर्फ बता दिया कि अब मैं इसको चेंज करूंगा तो ये सारे भी चेंज हो जाएंगे या फिर इसमें अगर मुझे देखना है हालांकि जब तुम्हें अगर याद होगा ये सारे फॉर्मूलेज हैं इन सब पे मैंने इंक्रीज किए ये सारी वैल्यूज हैं ये सारी वैल्यूज हैं तो नॉर्मली ये सारा सॉर्टिंग में एक जैसा ही होगा अगर ये बड़ा है ये सबसे छोटा है ये सबसे बड़ा है तो यहां पे भी यही सबसे बड़ा रहेगा इस शीट में क्योंकि मैंने बनाई ऐसे अगर मैं कोई बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा परसेंटेज ऊपर नीचे एक्चुअली में बहुत ऊपर नीचे करता देन देर वुड है डिफरेंस कि हम डिटेल सॉर्टिंग नहीं कर पाते देन देयर कैन बी शेयरिंग violation अमंग यूजर्स विश टू व्यू और चेंज द डेटा एट द सेम टाइम अब अगर दो बंदे अब सोचो ऑफिस में पचास लोग होते हैं पचास लोग एक स्प्रेडशीट पे पहली बात तो काम कर ही नहीं सकते बहुत दिक्कत आती है और अगर करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि ऐसा नहीं होगा अब मैंने कोई फिगर यहाँ डाली उसने यहाँ डाल दी मेरे को दिखी नहीं मैंने भी यहां डाल दी तो वॉयेशन हो जाएगी चेंज हो जाएगी वैल्यू स्प्रेडशीट आर रिस्ट्रिक्टेड टू फाइनाइट नंबर ऑफ रिकॉर्ड स्प्रेडशीट में अगर मैं यहां पर नीचे जाऊं मैक्सिमम जो मैं नीचे जा सकता हूं इतना ही रिकॉर्ड्स हो सकते हैं हालांकि ये भी कम नहीं है टेन लाख बट टेन लाख से ज्यादा एक शीट में रिकॉर्ड नहीं हो सकते और अगर मैं राइट right में भी जाऊं एक्स एफ डी मतलब एक्स एफ टी मतलब जैसे ए ए टू जेड हुआ देन जेड ए जेड बी ए ए ए ए बी सी ए डी ए ई ऐसे करते करते मैक्सिमम यहां तक दिस इज द लास्ट रिकॉर्ड ऑफ एक्सेल जहां पे हम जा सकते हैं इससे ज्यादा नहीं जा सकते तो टेन लाख इन कॉलम एंड टेन लैक इन रोज एंड एक्स एफ डीज कॉलम इससे ज्यादा हम आगे नहीं जा सकते स्प्रेडशीट आर ओपन टू साइबर अटैक थ्रू वायरस हैीट एक ओपन सॉफ्टवेयर है अब मैंने देखो अपने टैब में भी खोली हुई है फोन में भी खुल जाती है लैपटॉप में भी खुल जाती है इस स्प्रेडशीट के लिए देर इज नो स्पेसिफिक पासवर्ड और ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर है हर मोबाइल में होता है हर कंप्यूटर में होता है तो पॉइंट इज ये बहुत ही इजीली हैक हो सकता है बहुत इजीली हैक है हो सकता है आगे यूजिंग अ स्प्रेडशीट पैकेज आई वुड से गाइस ये प्लीज तुम सारे खुद पढ़ लेना मैं इस चीज में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा नॉट रिक्वायर्ड जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे ये चैप्टर इतना डिजर्व नहीं करता कि मैं दो घंटे की इसकी वीडियो बनाऊ ठीक है ये सारा तुम पढ़ लेना जैसे अब ये मैं बताता हूं बेसिक स्प्रेडशीट टर्म्स अ वर्ड अ वर्कशीट और स्प्रेडशीट इज अ वर्कशीट क्या होती है ये पूरी शीट वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट अ वर्कबुक इज सिंपली अ फोल्डर दैट बाइंड ऑल योर वर्कशीट दस शीट्स को अगर मैंने यहां पे दस शीट्स बना दी तो वो दस शीट अब ये पूरा एक कहा जाएगा वर्कबुक अगर यहां पे दस शीट्स हैं या देखो यहां पे कितनी सारी शीट्स हैं ये सारी शीट्स एक वर्कबुक में है तो दिस इज वर्कशीट एंड पूरा दिस इज वर्कबुक कॉलम वॉट इज कॉलम दिस इज कॉलम ईच कॉलम रेफरेंस इज वन और टू लेटर्स इन दी कॉलम हेडिंग द होल वर्कशीट कंसिस्ट ऑफ टू फिफ्टी सिक्स कॉलम ए थ्रू सिक, छोड़ो इसको, नॉट रिक्वायर्ड रोज इच रो इज रेफरेंस बाय रो नंबर एक्चुअली देखो देर आर दिस रोज इन एक्सेल सिक्सटी फाइव थाउजेंड जबकि हमने देखी यहां पर कितनी है टेन लाख तो वो पुराना Uh, इनके पास इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे तो तभी इसको डिटेल में करने की जरूरत नहीं है सेल्स क्या होते हैं इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड रो दिस इज अ सेल जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं शीट टैब्स आर लिंक बिटवीन वर्कशीट एंड स्टेटस बार दैट आर यूज टू मूव बिटवीन वर्कशीट ऑफ योर कंप्यूटर विंडोज यू कैन ओनली सी द पार्ट ऑफ वर्कशीट एनी टाइम यू कुड कंसिडर द स्क्रीन टू अ विंडो को छोड़ दो नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड कोई फायदा नहीं है कोई वादा नहीं है ये नहीं आता एग्जाम में इसके क्वेश्चन इसके अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो दिखाऊंगा कैसे बताऊंगा तुम्हें डोंट वरी वो नहीं छुड़वाऊंगा रनिंग अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम के प्रो, ये देखो ये कौन सी विंडोज है पता है विंडोज 98 भाई 2020 आ गया 21 शुरू होने वाला है और और तुम आज भी विंडोज 98 बता रहे हो कैसे ओपन होती है कैसे पढ़ेगी बच्चे इसको <laughs> ये भाई विंडोज नाइन नाइनटी फाइव है सॉरी अरे तो नाइनटी फाइव है तुम तो पैदा भी नहीं तब <laughs> है ना? मतलब सो इन 2021 की बुक है और 95 यूज़ कर रहे हैं आजकल तो विंडोज 10 है बहुत डिफरेंट हो चुकी है दिखती अलग है चलो आगे इफ आर वर्किंग इन विंडोज इनवायरमेंट यू विल एक्सेस दिस स्प्रेडशीट पैकेज यूजिंग माउस अच्छा गायस छोड़ दो इसको मैं बिल्कुल नहीं चाहता हम इस चीज में अपना टाइम वेस्ट करें विच इज नॉट रिक्वायर्ड ओहो बहुत कुछ है गायस मैं ना पहले एक बार इसको रुको गिव मी जस्ट फाइव मिनट्स मैं ये देखो चैप्टर वैसे खत्म हो गया कुछ नहीं है इसमें एक्चुअली मैं देखना चाहता हूँ इसमें क्वेश्चंस इन्होंने कैसे बनाए हैं क्योंकि जो चीज रिक्वायर्ड नहीं है ये सारी चीजें मैं कूंगा तुम अपना घर पर पढ़ लो इट्स नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड ये बहुत ही टाइम वेस्ट है एक्सेल में जो मेन था वो तुम्हें मैं बता चुका हूं गिव मी मिनट्स गाइस गाइस मैंने सारा एक बार पढ़ लिया ये बहुत ही पुराने वाला सिस्टम लिखा हुआ है आजकल तो चीजें बहुत नई आ चुकी हैं बहुत कुछ चेंज हो चुका है एंड एक्चुअली मैंने इसके क्वेश्चंस भी पढ़ लिए क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते हैं क्वेश्चंस बेसिकली तुम्हें ऐसे आएंगे कि ये फॉर्मुला डिराइव करो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि ये फॉर्मुला डिराइव करो दैट्स इट तो हम सीधा अब इसके क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करते हैं नॉट रिक्वायर टू वेस्ट टाइम हेयर तुम्हारा टाइम हो तुम्हारे पास हो कुछ पढ़ने को तो इसकी थ्योरी जो है वो पढ़ लेना बट मैं कहूंगा नहीं पढ़ना पुरानी विंडोज के बारे में बात कर रहे हैं आप तो सब चेंज हो गए चलो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ओवर मैनुअल अप्रोच सिक्योरिटी सिक्योरिटी हमने अभी पढ़ा था कि ये तो डिसएडवांटेज है इसका स्पीड है एक्यूरेसी है कि हम गलती करेंगे तो होगी ये कभी गलती नहीं करेगा लेजिबिलिटी है लेजिबल मतलब कि बहुत इजीली रीड हो सके जो हमने पढ़ा था देन अदर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग टू एलिना वांट्स टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कैश फ्लो यूजिंग स्प्रेडशीट कैश फ्लो प्रोबेबिलिटी और ये जो फॉर्मुला है सी में कैश फ्लो इंटू प्रोबेबिलिटी ठीक है दैट मीन हर सेल में कैश फ्लो इसका कैश फ्लो इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी होगा वॉट शुड बी दी फॉर्मूला इन सी थ्री सी थ्री सेल सी थ्री मतलब सी थ्री यहां पर क्या फॉर्मूला होगा इज इक्वल टू ए थ्री इन टू बी थ्री ए थ्री इन टू बी थ्री तो ए थ्री बी थ्री यह हो जाएगा हमारा यहां पर फॉर्मूला वॉट शुड बी दी फॉर्मूला इन सेल सी सिक्स सी सिक्स अब सी सिक्स है टोटल तो यहां पर भी टोटल होगा तो इज इक्वल टू सम ब्रैकेट समी सी वन कॉलन सी फाइव ये हमारे दो फॉर्मूले बनेंगे यहां तो होगा मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला दिस इज टोटल तो यहां हो जाएगा इन सबका टोटल एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं ए थ्री इंटू बी थ्री इंटू वाला साइन लगेगा और सम सी टू सी फाइव

वट इज दमूला रिक्वायर टू कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला यहां पे क्या लगेगा अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला ये वाला होता है ना वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज द ग्रेडियंट बी इन द लीनियर रिग्रेशन लाइन ये वाला फॉर्मूला होता है वेरिएबल कॉस्ट का अब इस फॉर्मूले को हम इस शीट में कैसे लिख सकते हैं तो दिस इज टोटल ऑफ एक्स यानी बी टोटल ऑफ एक्स सी ट्वेंटी इज टोटल ऑफ वाई तो देखो जहां जहां पे x है तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया देखो, this is sum, तो n is the number of item. Number of item हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 20 सेट्स ऑफ डेटा तो 20 नंबर ऑफ यूनिट हो गया तो नंबर इंटू समय माइनस इंटू एक्स माइनस दिस एक्स और सम ऑफ एक्स इंटू y. तो देखो फार्मूला क्या बनाए इन्होंने मैं रुको इस फॉर्मूले को पहले कॉपी करता हूं तो देखो गाइज ये हमारा फॉर्मूला होता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ठीक है अब इसको अगर मुझे इस शीट से एनालाइज करना है तो हाउ विल आई राइट दी फॉर्मूला तो मैं फॉर्मूला लिखता हूं मैं यहां लिखता हूं फॉर्मुला ऊपर क्योंकि यहां थोड़ी जगह कम है इसका थोड़ा लंबा फॉर्मूला बनेगा ध्यान से देखो सबसे पहले है एन एन है ट्वेंटी तो हाउ विल आई राइट दी दमूला इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट क्योंकि पहले मुझे इनका टोटल करना है उसको डिवाइड करना है इसे मतलब इनका डिवाइड बाय दिस तो पहले जो चीज मुझे करनी है मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा तो ब्रैकेट स्टार्ट एन यानी ट्वेंटी इन टू मैं क्रॉस अभी मैं क्रॉस लगा रहा हूं इन टू एक्स समय इज डी ट्वेंटी फाइव माइनस सम ऑफ एक्स इंटू समाई समू समाई बी ट्वेंटी फाइव इंटू सी ट्वेंटी फाइव बी ट्वेंटी अगर मैं ऐसे फॉर्मूला लिखूंगा तो कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी तो मुझे यहां एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा कि पहले ये मेरा फॉर्मूला बनेगा और मेरा एक और बड़ा ब्रैकेट बनेगा मैं एक बार चेक करूं इन्होंने करा है कि नहीं करा ये चीज इन्होंने नहीं करी दे हैव नॉट डन इट बट करनी पड़ती है हमें ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं तो बेसिकली तुम समझ जाओगे अगर ब्रैकेट्स नहीं भी लगे तो तुम समझ जाओगे फॉर्मूला तो यही है ना तो ट्वेंटी इंटू डी ट्वेंटी फाइव माइनस बी ट्वेंटी फाइव इंटू सी ट्वेंटी फाइव तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे और वो बीच में माइनस हो जाएंगे ये हो गया डिवाइडेड बाय डिवाइड का साइन ये होता है अगेन ब्रैकेट स्टार्ट एन एक्स स्क्टी समय एक्स स्क्टी फाइव इन टू टी फाइव माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वेर तो समय समाइनस सम ऑफ एक्स इंटू समय यही होता है और ये भी है पूरे ब्राकेट में तो ये मेरा पूरा फॉर्मूला डिराइव होगा हालांकि तुम्हारे लिए काफी बड़ा है बट बहुत सिंपल से है गाइस एन यानी ट्वेंटी इंटू समाई समय डी ट्वेंटी माइनस सम ऑफ एक्स इंटू समाई तो एक पहले मुझे ये करना है फिर माइनस सम ऑफ एक्स यानी बी ट्वेंटी फाइव इंटू सी ट्वेंटी फाइव फिर मुझे ये करना है और बाद में इन दोनों को माइनस उसके बाद और डिवाइड देन ब्रैकेट स्टार्ट ट्वेंटी इंटू एक्स स्क्स स्क्टी फाइव माइनस दिस एक्स दिस वाई ये अब ये मैं जब फॉर्मूला लगा दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये मुझे कैलकुलेट करके बता देगा कि इस पूरे डेटा में इस पूरे डेटा में हमारा वेरिएबल <coughs> कॉस्ट कितनी है ठीक है बी क्या है दिस इज यूजिंग एक्सेल अब जैसे हमारा नेक्स्ट है ये करते हैं कंपनी मैन्यूफेक्चर सिंगल प्रोडक्ट इन अंप्यूटर स्प्रेडशीट द सेल्स सी वन टू सी ट्वेल्व कंटेन बजटेड मंथली सेल यूनिट ऑफ ट्वेल्व मंथ ऑफ नेक्स्ट ईयर इन सीक्वेंस विथ जनवरी सेल्स इन सी वन फिनिशिंग दिसंबर सेल्स इन सी ट्वेल्व मतलब सी वन से सी ट्वेल्व में इसने काम करा है सी वन है जनवरी की सेल्स और सी ट्वेल्व है दिसंबर की सेल्स कंपनी पॉलिसी इज फॉर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स फॉर ईच मंथ इज टू बी टेन परसेंट ऑफ दजटेड सेल्स यूनिट ऑफ द फॉलोइंग मंथ द्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऑफ ईच मंथ मतलब यहां पर जो मेरा है ये जो सेल्स है जो क्लोजिंग स्टॉक मेरा होगा जनवरी का या मैं काम करता हूँ मैं पहले यहां पर वैल्यूज पंची नहीं करता हूं तो मैं दिखाता हूँ एक बार अच्छा इसमें डिलीट का बटन नहीं है चलो टू मेक अनदर शीट ओके देखो अब यहां पे मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं जैसे मैंने यहां पे लिखा दिस इज जैन फेब मार्च अप्रैल और ठीक है ये मैंने लिख दिया अब कैसे आया दिस इज द पावर ऑफ स्प्रेडशीट बाद में पता चलेगा जनवरी की मैंने सेल्स जैसे लिखी हैं हंड्रेड या लेट से फाइव थाउजेंड फोर थाउजेंड सिक्स थाउजेंड फोर थाउजेंड टू थाउजेंड एट थाउजेंड फोर थाउजेंड फाइव थाउजेंड थ्री थाउजेंड Six, five thousand, सिक्स थाउजेंड और फोर थाउजेंड रैंडम फिगर्स है सारी ठीक है तो ये है मेरी सारी सेल्स मैं काम करता हूं देखो कितना नीटली काम हो रहा है है ना ये मुझे पता लग गया मंथ ये होगी मेरी सारी सेल्स अच्छा सॉरी इसको मैं रुको इसको मैं ऊपर ही लिखता हूँ क्योंकि फिर फॉर्मूले में गड़बड़ हो जाएगी ये लो ठीक है सो ये है मेरी सेल्स और ये है नंबर ऑफ मंथ्स अब इसमें लिखा हुआ है C1 अच्छा इसको मैं C में डाल देता हूं चलो एक्चुअली टैब में थोड़ा काम करना मुश्किल है इसका कीबोर्ड बहुत ही छोटा है ठीक हाँ, है तो C1 में है जनवरी की सेल और C12 में है दिसंबर की सेल्स और इसमें बोला हुआ है द कंपनी पॉलिसी इज फॉर क्लोजिंग इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स ऑफ ईच मंथ टू बी 10% परसेंट ऑफ बजटेड सेल्स ऑफ फॉलोइंग मंथ मतलब जितनी नेक्स्ट मंथ की बजटेड सेल है उसका 10% पिछले महीने हमारा फिनिश गुड्स होना चाहिए 10 मंथ की जो हमारी बजटिंग सेल है जो अगले महीने की हमारी सेल होने वाली है तो हमें देखनी है फेब्रवरी में क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा इट वुड बी मार्च की सेल्स का टेन परसेंट दैट मीन सिक्स थाउजेंड मार्च की सेल्स का टेन परसेंट अब यही चीज हमें यहां करनी है हमें इसने बोला है यू विच ऑफ द फॉर्मूला विल जनरेट द बजटेड प्रोडक्शन यूनिट फॉर मे नेक्स्ट ईयर अगले महीने की मे में कितनी सेल मे में कितनी प्रोडक्शन आएगी अब प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है गाइस तो गैस प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक ये फॉर्मूला होता है तो अगर हमें वो ये कह रहे है, हमें मे की प्रोडक्शन बतानी है तो मे की प्रोडक्शन कितनी होगी देखो सिंपल सी बात अब मैथ्स स्प्रेडशीट में तभी अच्छा फॉर्मूला लग पाएगा जब हमें उसके पीछे लॉजिक हो हमें ही अगर जैसे ये फॉर्मूला था अगर हमें ही ये फॉर्मूला नहीं पता तो एक्सेल कैसे आंसर निकाल देगा स्प्रेडशीट कैसे आंसर निकाल देगी तो हमें यह समझना पड़ेगा अब यहां पे इसको हम कैसे करेंगे अब कितनी आएगी यहां पे? तो सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अब एक बात तुम बताओ यहां पे प्रोडक्शन कितनी होगी लॉजिक सोचना लॉजिक जितने यूनिट्स हम सेल कर रहे हैं जितने यूनिट्स हम सेल कर रहे हैं टेन परसेंट तो पिछले महीने हमारे पास पड़ा होगा क्योंकि हमने यहां से क्या पढ़ा है अगले महीने की सेल्स का टेन परसेंट पिछले महीने हमारे पास स्टॉक होता है तो यहां पे हमारे पास दो सौ यूनिट अवेलेबल होंगे इसका 10 तो हमें यहां पे कितने प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे अप्रॉक्सीमेटली इस वैल्यू का नाइनटी परसेंट क्योंकि टेन परसेंट ऑलरेडी है लॉजिक इस वैल्यू देखो मैंने बताया था एक्सेल में बहुत तरीके हैं एक्सेल में देर आर लॉट ऑफ मेथड्स लॉट ऑफ मेथड्स एक मेथड क्या बनेगा मैं तुम्हें बताता हूं प्रोडक्शन का सेल्स यानी 2000 यानी C5 C5 फाइव माइनस ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक यहां पे वैल्यू क्या आएगी ओपनिंग स्टॉक विल बी अब मैं ब्रैकेट लगाऊंगा क्योंकि फॉर्मुला लगना है ओपनिंग स्टॉक विल बी D4 D4 इन टू सी D4 फोर इंटू सी फाइव ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला क्या होगा यहां पे अगले महीने की सेल्स यानी C6 नहीं सॉरी 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 मैंने D4 गलत बोल दिया सॉरी गाइज या दोबारा बता दूं मेरा प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या होगा ओपनिंग स्टॉक सॉरी सेल्स यानी C5 माइनस ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक कितना होगा करंट ईयर की सेल्स का टेन परसेंट दैट मीन सी फाइव इंटू टेन परसेंट प्लस क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक यहां पे कितना आएगा अगले महीने की सेल्स का टेन परसेंट अब अगले महीने की सेल्स यानी सी सिक्स इंटू टेन परसेंट दिस इज करंट ईयर की सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर की सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक यही आएगा फॉर्मुला समझ आएगा इस कैसे करंट ईयर की सेल्स ओपनिंग स्टॉक कितना होगा करंट ईयर की सेल्स टेन परसेंट क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा अगले की सेल्स का 10 अब ये मुझे यहां कहीं नहीं दिख रहा बट हां मुझे ये चीज दिख रही है एक जगह C6, यहां और यहां अब बीच में है माइनस बीच में है प्लस हमें यहां पर क्या है प्लस तो आई थिंक द आंसर शुड बी डी बट इन्होंने अभी ये कैसे बनाया है? इन्होंने ये फॉर्मूला कैसे बनाया दिस इज अंट नाइन और मैं इसको बोल सकता हूं सी फाइव इंटू नाइनटी परसेंट सी फाइव इंटू पॉइंट नाइनटी और सी फाइव इंटू नाइनटी परसेंट क्यों नाइनटी परसेंट इज नाइन्टी अपॉन हंड्रेड यानी जीरो पॉइंट नाइन तो सी फाइव इंटू जीरो पॉइंट नाइन अब दिस इज द राइट आंसर वाई देखो सी फाइव माइनस अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं पॉइंट वन जीरो सी फाइव सी फाइव माइनस पॉइंट वन जीरो सी फाइव हो जाएगा जैसे हम करते थे एक्स माइनस पॉइंट वन एक्स ये कितना आएगा पॉइंट नाइन एक्स एक्स माइनस पॉइंट वन एक्स पॉइंट नाइन एक्स आएगा सेम चीज यहां पे सी फाइव माइनस पॉइंट वन एक्स वो ऑटोमेटिकली जीरो पॉइंट नाइन इंटू C5 आएगा लॉजिक क्या है करंट ईयर में जो प्रोडक्शन होगी जितनी हम सेल कर रहे हैं उसका टेन परसेंट तो पहले ही हमने पिछले बना दिया था नाइंटी परसेंट ईयर का नाइनटी परसेंट बनेगा और अगले का 10 परसेंट बनेगा तो करंट ईयर का 90 परसेंट बनेगा। और अगले का टेन परसेंट बनेगा। तो डी इज योर आंसर ठीक है दिस इज हाउ वी हैव टू मेक एंड डू दी फार्मलास इतना ही है स्प्रेडशीट्स में जो तुम्हारे एग्जाम्स में है और ऐसे ही तुम्हें फॉमलेस बनाने होंगे तो इसके क्वेश्चन करो और ज़्यादा मुश्किल नहीं है बहुत ईजी है थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे समझ आ जाएगा कोशिश करना अगर हो तो कंप्यूटर में तुम्हारे कंप्यूटर में एक्सेल होगा टैब में या फ़ोन्स में मत खोलना कंप्यूटर में एक्सेल सॉफ्टवेयर होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उसको ओपन करना और वहां पे रैंडमली जैसे मैंने फिगर्स डाली थी सी में डाल दी ऐसे डाल के प्रैक्टिकल अगर करी देखना उससे तुम्हारा आंसर थोड़ा इजी हो जाएगा ठीक है गाइस तो दिस इज योर चैप्टर स्प्रेडशीट एंड नथिंग एल्स इज देयर एक दो बार दोबारा से इस वीडियो को देख लेना अगर थोड़ी सी से सेल्स नंबर समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है फॉमुलेस में प्रॉब्लम आ रही है अभी दिस इज समथिंग डिफरेंट फॉर यू तो इट विल इट माइट टेक टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड ग्रास्प तो एक दो बार वीडियोज देख लेना समझ आ जाएगा सारा ठीक है गाइस सो गाइस टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम